के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज है। एक्शन किंग अपने चाहने वालों के लिए बैक टू बैक एक्शन का डोज लेकर आने वाले। जी हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बाद अब खबर है कि टाइगर श्रॉफ बागी के चौथे पार्ट बागी 4 में नजर आने वाले हैं। टाइगर श्रॉफ की बागी एक ऐसी फिल्म है जिसके अब तक 3 पार्ट रिलीज किए जा चुके हैं एंड वी नो दैट। अब इसके चौथे पार्ट के रिलीज को लेकर मेकर्स ने अनाउंसमेंट कर दी है। बता दें कि कल मुंबई में Amazon Prime Video का एक ग्रैंड इवेंट हुआ था जिसमें 70 नई वेब सीरीज और कई फिल्मों को लेकर अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें से एक टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 4 भी थी। बागी के 3 पार्ट की सफलता की सक्सेस के बाद एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ रॉनी उर्फ रणवीर जरन चौधरी के किरदार में नजर आने वाले। टाइगर की बागी 4 को लेकर मेकर्स ने अनाउंसमेंट तो कर ही दिया है, हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि फिल्म कब तक फ्लोर पर आएगी, क्योंकि अभी टाइगर के पास ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं और वहीं साजिद भी अभी बिजी चल रहे हैं, तो ऐसे में इस साल बागी 4 का शुरू होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि फिल्म अगले साल के मिड नहीं तो फिर एंड तक फ्लोर पर उतरे और उसके बाद 2026 तक इसे रिलीज भी किया जाए। वेल गाइस, कल मेकर्स ने बागी 4 का पहला लुक फर्स्ट लुक शेयर किया जिसमें टाइगर श्रॉफ धमाकेदार लुक में नजर आ रहे हैं, जिसको देखने के बाद साफ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ जो कि अपने स्टंट के लिए जाने जाते हैं रॉनी के किरदार में जमकर एक्शन करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद से फैंस को बागी 4 के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है, वेट है। अब देखना ये होगा कि इस बार बागी 4 में कौन विलन बनता है और किस हसीना के प्यार में टाइगर पागल होते हुए नजर आते हैं। खैर, आप लोग टाइगर श्रॉफ को एक बार फिर बागी बनता हुआ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कॉमेंट सेक्शन पर अपने व्यूज जरूर बताएं। एंड फॉर मोस्ट अपडेट्स डू फॉलो आवर पेज।